अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 100 विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। अभी पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसके अंदर आप लोगों ने टोटल 3 डिजिट नंबर्स बताने थे जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल थे 6 के साथ। अब यहाँ पर अब आप लोगों ने ये बताना है कि 25 से लेकर 100 के दरमियान ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो कि कम्प्लीटली 6 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे भी आप लोगों का वो जो फार्मूला है वो आप लोगों का वही सेम लगेगा। फार्मूला जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि टोटल नंबर आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट करने हैं। अब फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 25, 100 के दरमियान हमारे कौन कौन से ऐसे डिजिट हैं जो कि यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 23 है, ठीक है। 23 और 100 के दरमियान ऐसे कितने डिजिट हैं जो कि कम्प्लीटली 6 पे डिवाइड होते हैं। तो 23 के बाद पहले डिजिट क्या आता है, 24। इसका मतलब 24 पे आपको पता है 24 पे 6 डिवाइड होता है, फिर आएगा 30, फिर आएगा 36। इसी तरह ये एंड पे आप लोगों ने अब चेक करना है कि 100 के नज़दीक तरीन कौन सा ऐसा डिजिट है जो कि 6 पे डिवाइड होता है, वो डिजिट है जी 96। आपको पता है 16 6 और होता है 96, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों की लिमिट अब 24 से 96 तक की लिमिट है, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट आप लोगों का नंबर आ जाएगा 24, जो लास्ट जो डिजिट होगा वो आप लोगों का होगा 96, ठीक है जी। इसका मतलब टी एन क्या है, 96 इक्वल्स टू ए फर्स्ट टर्म क्या है 24 प्लस एन माइनस वन, एन आपने फाइंड आउट करना है और इसमें डिफरेंस कितने हैं 6 का, 24 30 36 6 का डिफरेंस आ रहा है 96 24 प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 6 एन माइनस 6। अब 6 को इधर लें, मतलब 6 को 24 के साथ माइनस करें, 24 माइनस 6 18 6 एन 18 को इधर ले आए, 96 माइनस 18 इक्वल टू 6 एन। अब 96 में से जब मैं 18 में माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 78 इक्वल टू 6 एन। तो 6 एन इक्वल टू 78, एन इक्वल टू 78 बाई 6, एन इक्वल टू, तो ये होता है 13 6 आर होता है 78। इसका मतलब आप लोगों का एन कितने आ गए, टोटल नंबर 13। इसका मतलब आप लोगों की जो 13 वाली जो ऑप्शन है ये आप लोगों की बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ये अब आप लोग खुद देख लें कि जब आप लोग फार्मूला जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो फार्मूला के थ्रू कितनी जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाता है, और बिल्कुल आप लोगों के एक्यूरेसी भी उस क्वेश्चन के अंदर होती है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है, और अभी जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 है वो। इस क्वेश्चन के अंदर एक दो बड़े टेक्निकल पॉइंट है वो आप लोगों को समझाने वाले हैं। क्वेश्चन जी कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। इन में से कितने ऐसे डिजिट्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 पे तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन वो 9 पे डिवाइड नहीं हो रहे। अब इसमें अब आप लोगों ने एक जिसको हम कहते हैं ना कि छोटे से एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ये सोचना है कि अब मैं ये कैसे इनमें चेक कर सकता हूँ कि किस पे 3 डिवाइड हो रहा है, किस पे 9 डिवाइड हो रहा है। क्या मैं इन सब नंबर्स को बारी बारी 3 पे डिवाइड करूँगा, या क्या मैं इन सब नंबर्स को बारी बारी मैं 9 पे भी डिवाइड करूँगा, फिर जाके मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सा नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। हो तो जाएगा लेकिन आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जैसे कि आप लोगों को मैं ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के दौरान हमेशा मैं आप लोगों को एक चीज़ लाजमी बताता हूँ, क्या होती है वो, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट आपकी तभी होगी जब आप लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट वे में चेक करेंगे। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट वे में आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करें कि ये जितने भी आपके पास नंबर्स हैं 21 33 23 4 3 3 4 7 4 अप टू 9 2 7 6,
इन सब नंबर्स के जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं और सब डिजिट्स को आपस में आप लोग प्लस करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप लोगों ने क्या करना है। मसलन 2 1 3 3 2 + 1 + 3 + 3 यह आ जाएगा 2 + 1 3 3 6 और 9। इसी तरह ये कितना आएगा 2 + 3 + 4, इस तरह 2 + 3 + 4 + 3 यह आ जाएगा 5 + 4 9 + 3 12। इसी तरह अब मैं इनके सम अब मैं डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 3 4 7 4 का है, 3 4 7 4 का सम कितना आएगा 7 + 7 14 और 4 18, 4 + 1 5 3 8 और 1 9, 4 1 3 1 का आएगा जी 9। इसी तरह 5 2 8 6 5 2 8 6, 5 3 4 0 6 3 3 6, इसी तरह 7 3 4 7, इसी तरह 8 1 1 5 और इसी तरह 9 2 7 6। इनके अगर सम अगर चेक किए जाएं 5 + 2 7 और 8 15 6 21, 5 + 3 8 + 4 12, 6 + 3 9 + 3 12 6 18, 7 + 3 10 + 4 14 7 21, 8 + 1 9 1 10 और 5 15, 9 + 2 11 + 7 18 और 6 24। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अगर दोबारा देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 3 के डिविजिबल हैं लेकिन 9 के डिविजिबल नहीं है। अब आप लोगों को पहले भी मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 3 के डिविजिबल को चेक करने के तरीकाकार क्या होता है। देखें 3 के डिविजिबल चेक करने के तरीकाकार यह है कि जब आपने नंबर्स को आपने ऐड किया ये कितना है 9, क्या 9 3 का डिविजिबल है, 9 पे 3 का टेबल जाता है, यस जाता है, इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ना 2 1 3 ये पूरी 3 की डिविजिबल होगी। देखिए 12 इसका टोटल बना, 12 3 पे डिविजिबल है, इसका मतलब इस पे पूरी 3 जो है ना ये पूरे डिजिट पे डिवाइड होगा। 18 पे 3 होता है, 9 पे 12 21 ये जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे 3 के डिविजिबल हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे 3 के डिविजिबल हैं। अब मैंने ये चेक करना है कि 9 के डिविजिबल इनमें कौन से नहीं है। देखें 12 पे 9 का टेबल नहीं जाता, ओके 18 पे जाता है, 9 पे जाता है, 21 पे नहीं जाता, फिर 12 आ गया 12 पे नहीं जाता, 21 पे नहीं जाता, 24 पे भी नहीं जाता और 15 पे भी नहीं जाता। ठीक है जी, समझ आई। इसका मतलब आप लोगों के ऐसे कितने डिजिट हैं जो कि 3 पे तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 9 पे डिवाइड नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप लोगों के राइट ऑप्शन क्या आ गई जी, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आप लोगों को मैंने समझा दिया कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों को मैं इसी तरह में शॉर्टकट मैथड में बताता रहूँगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से इसी नंबर सिस्टम के भी कुछ क्वेश्चन और भी रहते हैं, हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।